हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम SCCL का क्वेश्चन पेपर के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एग्ज़ाम हुआ था 8 मार्च 2020 को, जिसमें टोटल मार्क्स थे 100 मार्क्स के थे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे और टाइमिंग था 2 आवर का, 10 AM टू 12 नून। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ड्यूटी ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द कोल माइंस। कोयले की खदान में वर्कमैन इंस्पेक्टर कितनी बार खदान का निरीक्षण करेगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्वाइस इन अ वीक। वर्कमैन इंस्पेक्टर सप्ताह में 2 बार वर्कमैन इंस्पेक्टर का काम करता है, बाकी दिन वो नॉर्मल अपनी ड्यूटी करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच टेस्ट इज टू बी डन टू नो द प्रेजेंस ऑफ मीथेन बाई फ्लेम सेफ्टी लैम्प। फ्लेम सेफ्टी लैम्प द्वारा मीथेन गैस की जाँच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, एक्युमुलेशन टेस्ट एंड परसेंटेज टेस्ट दोनों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एन एंकर टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर। एंकर टेस्टिंग मशीन का किस काम के लिए उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टेस्टिंग ऑफ रूफ बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर स्टार्टिंग अ डिप्लरिंग इन अ कोल माइंस इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट। कोयले की खदान में डिप्लरिंग शुरू करने के पहले क्या बनाना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रिपेरेटरी स्टॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 5, गोफ वर्ड इज रिलेटेड टू। गोफ शब्द किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, लॉन्ग वॉल मेथड एंड बोर्ड एंड पिलर मेथड। क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम स्टेचुरी रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ माइन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन इज। ठेकेदारी कामगारों के लिए खदान में काम करने की न्यूनतम वैधानिक जरूरत क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, टू बी इनिशियली मेडिकली एग्जामिन्ड, टू बी वोकेशनली ट्रेंड। जो भी ठेकेदार कामगार होंगे उसका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ होना चाहिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, अ गैलरी ड्रिवेन इन द पिलर फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लरिंग इज अ अंडरग्राउंड कोल माइंस इज कॉल्ड। भूमिगत कोयले की खान में डिप्लरिंग के लिए पिलर में चलाई गई गैलरी को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्प्लिट। क्वेश्चन नंबर 8, द हाइट ऑफ द बम शुड बी। बम की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इक्वल टू द हाइट ऑफ द टायर ऑफ द लार्जेस्ट डंपर प्लेइंग ऑन द रोड। उस रोड पर चलने वाले सबसे बड़े डंपर के टायर की ऊंचाई के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज SMP एज अ CMR 2070 मीन। CMR 2017 के अनुसार SMP का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। क्वेश्चन नंबर 10, माइनिंग सरदार शैल इंस्पेक्ट द एरिया अंडर हिज ज्यूरिडिक्शन। माइनिंग सरदार अपने अधीनस्थ क्षेत्र का निरीक्षण करेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विद इन 2 आवर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क, कार्य शुरू होने के 2 घंटे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, कैरिंग ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर इन UG माइंस इज एसेंशियल फॉर। सेल्फ रेस्क्यूअर किस भूमिगत खदान में ले जाना आवश्यक है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डिग्री 1 माइन, डिग्री 2 माइन, डिग्री 3 माइन, ये सभी में सेल्फ रेस्क्यूअर ले जाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12, डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन इज रिलेटेड टू। डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बोर्ड एंड पिलर मेथड। क्वेश्चन नंबर 13, SCAMP मीन्स। SCAMP अर्थात। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दिस फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फायर। बिजली की आग में इसमें से कौन सा आग बुझाने वाला यंत्र काम में लिया जा सकता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, CO2। झाग, पानी, वेट केमिकल, ये सब चीज़ों को इलेक्ट्रिकल फायर में यूज में नहीं लाया जाता। क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ कॉगिंग मेंबर फॉर द सपोर्ट इन कोल माइंस शुड नॉट बी लेस देन। कोयला खदान में सपोर्ट के लिए कॉगिंग मेंबर की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट बल्ब टेम्परेचर अलाउड इन एनी वर्किंग प्लेस इन एवरी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में किसी भी कार्यस्थल पर गीले बल्ब का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
क्वेश्चन नंबर 17, पार्किंग ब्रेक इन ओपन कास्ट कोल माइंस इज रिलेटेड टू, खुली खदान में पार्किंग ब्रेक किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डंपर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ अटैचमेंट बिहाइंड एन असेंडिंग टब और सेट ऑफ टब इन अ हॉलेज सिस्टम टू प्रिवेंट टब रनिंग बैकवर्ड्स, चढ़ाई की ओर चलने वाले टब या टब के सेट को पीछे से रोकने के लिए आरोही चढ़ने वाले टब के पीछे लगाए जाने वाले अटैचमेंट का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बैक स्टे। क्वेश्चन नंबर 19, गैसी सीम ऑफ थर्ड डिग्री इन यूजी कोल माइंस मीन्स सीम इन विच द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड इज मोर देन, भूमिगत कोयला खदान में प्रति टन कोयले के उत्पादन की तुलना में कितने दर से ज्वलनशील गैस निकलने पर डिग्री थर्ड सीम कही जाती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 10 क्यूबिक मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड शुड नॉट बी मोर देन, हॉल रोड का ग्रेडियंट किससे अधिक नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1:16। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द ऑपरेशन फॉर एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर इज कॉल्ड, पिलर का एक्सट्रैक्शन या रिडक्शन ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डिप्लरिंग। क्वेश्चन नंबर 22, सीक्वेंस कंट्रोल इज रिलेटेड टू, सीक्वेंस कंट्रोल किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बेल्ट कन्वेयर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ द रिटर्न एयर ऑफ एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, किसी भी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न हवा की साधारण वायुमंडल में ज्वलनशील गैस का प्रतिशत अधिकतम कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0.75। क्वेश्चन नंबर 24, ANFO इज रिलेटेड टू, ANFO का उपयोग होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्लास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 25, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ एयर इन अ गैलरी इन यूजी माइंस, भूमिगत खदानों की गैलरी में हवा की गति को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, अंडर विच रेगुलेशन ऑफ द CMR 2017 माइनिंग सरदार हैज टू राइट अ रिपोर्ट आफ्टर द एंड ऑफ हिज शिफ्ट, CMR 2017 के किस विनियमन के तहत माइनिंग सरदार को अपने शिफ्ट के अंत में एक रिपोर्ट लिखनी होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रेगुलेशन 129। क्वेश्चन नंबर 27, HFL मींस HFL अर्थात, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाईएस्ट फ्लड लेवल। क्वेश्चन नंबर 28, SOP मींस SOP अर्थात, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 29, वेट बल्ब टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय, गीले बल्ब का तापमान किससे नापा जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, ईच कोल माइन शुड हैव, प्रत्येक कोयला खदान में होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1 सेपरेट मैनेजर, एक स्वतंत्र मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 31, H/L रेशियो इन स्टोविंग इन कोल माइंस इज, कोयला खदान की स्टोविंग में HL अनुपात क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाइट लेंथ रेशियो। क्वेश्चन नंबर 32, वाटर इज स्प्रेइंग ऑन हॉल रोड इन ओपन कास्ट माइन इज डन टू, खुली खदान में रोड पर पानी का छिड़काव क्यों किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर सप्रेशन ऑफ डस्ट। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सेफ्टी ऑफ कोल माइनिंग इन इंडिया, भारत में कोयला खदान की सुरक्षा के लिए कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 34, साइज ऑफ पिलर इन अंडरग्राउंड कोल माइंस डिपेंड अपन, भूमिगत कोयला खदान में पिलर का साइज किस पर निर्भर करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डेप्थ ऑफ वर्किंग एरिया फ्रॉम सरफेस, कार्यस्थल की सतह से गहराई पर। क्वेश्चन नंबर 35, ऑर्डर अंडर सेक्शन 22 ऑफ माइन एक्ट 1952 कैन बी इम्पोज्ड बाय, माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 22 का आदेश किसके द्वारा लगाया जा सकता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए DGMS। क्वेश्चन नंबर 36, मैक्सिमम अलाउएबल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन अंडरग्राउंड कोल माइंस इज, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्वीकार्य संघनता कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 50 PPM। क्वेश्चन नंबर 37, प्रेशर बैलेंस इज रिलेटेड टू, प्रेशर बैलेंस किससे संबंधित है?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वेंटिलेशन इन द माइन। क्वेश्चन नंबर 38 AFDSS मीन्स AFDSS अर्थात करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 39 कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक इज यूज्ड इन कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक का उपयोग कहाँ किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओपन कास्ट कोल माइन कोयला की खुली खदानों में। क्वेश्चन नंबर 40 CO डिटेक्टर इन कोल माइंस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग कोयला खदान में CO डिटेक्टर किसकी जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 41 द एब्रीविएशन ऑफ CHP इन कोल माइंस इज कोल माइंस में CHP का पूर्ण रूप क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कोल हैंडलिंग प्लांट। क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मीथेन टू फॉर्म एक्सप्लोजन मिक्सचर इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। भूमिगत कोयला खदान में एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत मीथेन की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 5.4। क्वेश्चन नंबर 43 विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मैन होल इन हॉलेज रोडवे। हॉलेज रोडवे में मैन होल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विड्थ नॉट मोर देन 1.5 मीटर चौड़ाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 44 द फेलियर टू एक्सप्लोड ऑफ एन इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोजिव इन अ शॉर्ट होल इज नोन एज। शॉर्ट होल में किसी समग्र विस्फोट के विफल होने को कहते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मिस फायर। क्वेश्चन नंबर 45 डिलेड डिटोनेटर आर टू बी यूज्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव। निम्न में से किस प्रकार के विस्फोटक के साथ डिलेड डिटोनेटर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए P5। क्वेश्चन नंबर 46 विच ऑफ देम आर नॉट अ मेथड ऑफ अंडरग्राउंड कोल माइनिंग। इनमें से कौन सी भूमिगत खनन प्रक्रिया नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सरफेस माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 47 मल्टी शॉट एक्सप्लोडर आर मल्टी शॉट एक्सप्लोडर है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंट्रिंसिकली सेफ। क्वेश्चन नंबर 48 ट्रैवलिंग रोडवे शैल नॉट बी लेस देन हाइट थ्रू आउट। ट्रैवलिंग रोड की ऊंचाई हर जगह कम से कम होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 49 पर्पज ऑफ वायर गेज इन सेफ्टी लैंप इज। सेफ्टी लैंप में वायर गेज का उद्देश्य होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ फ्लेम फ्रॉम द इंटीरियर टू द एक्सटीरियर ऑफ द लैंप। लैंप के अंदर तथा बाहर के बीच ज्वाला का परिगमन रोकना। क्वेश्चन नंबर 50 अ फायर फाइटिंग प्लान शोज किसी अग्निशमन योजना में दर्शाया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबो फायर स्टेशन वाटर सोर्स एंड पंपिंग स्टेशन वेंटिलेशन सिस्टम ये तीनों दर्शाया जाता है। नंबर 51 कैप लैम्प इज कैप लैम्प है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नंबर 52 कार्बन मोनोऑक्साइड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय। कार्बन मोनोऑक्साइड की पहचान इनमें से किससे नहीं हो सकती। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्लेम सेफ्टी लैम्प। क्वेश्चन नंबर 53 कार्ड सिस्टम ऑफ ब्लास्टिंग इज डिजाइनेटेड फॉर। ब्लास्टिंग की कार्ड प्रणाली डिजाइन की गई है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर मानवीय भूलों को कम करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 54 स्टोन डस्ट बैरियर आर यूज टू प्रिवेंट। स्टोन डस्ट बैरियर का प्रयोग से बचाव हेतु किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एक्सप्लोजन। क्वेश्चन नंबर 55 स्टीफ वर्किंग इज द वर्किंग्स हैविंग इंक्लिनेशन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। स्टीफ वर्किंग वह वर्किंग है जिसका क्षितिज से झुकाव है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मोर देन 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 56 SSR मीन्स SSR अर्थात। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल्स। क्वेश्चन नंबर 57 इन माइन प्लान द सिम्बॉल फॉर बाउंड्री लीज होल्ड इज शो इन कलर। खान के नक्शे में लीज होल्ड बाउंड्री का संकेत रंग में दर्शाया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेड। क्वेश्चन नंबर 58 विच वन इज द मोस्ट डेंजरस गैस इन द माइन। खदान में इनमें से कौन सी गैस सर्वाधिक खतरनाक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 59 इन एयर क्रॉसिंग द रिटर्न एयरवे ऑलवेज पासेस थ्रू। खदान में एयर क्रॉसिंग में निकलने वाली वायु रिटर्न एयर हमेशा गुजरती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ओवर द इनटेक एयरवे। इनटेक एयरवे के ऊपर से रिटर्न एयरवे को ऊपर से इसलिए गुजारा जाता है क्योंकि उसमें टेम्परेचर कुछ ऐड हो जाता है जिससे हवा हल्की हो जाती है और कुछ गैस भी जैसे कि मीथेन गैस भी ऐड हो जाने के कारण वो हल्की हो जाती है इसलिए उसे ऊपर से ही गुजारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 RMR स्टैंड्स फॉर।
RMR अर्थात करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रॉक मास रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 61 FLP स्टैंड्स फॉर FLP अर्थात करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फ्लेम प्रूफ। नंबर 62 विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शैल नॉट बी यूज फॉर फाइटिंग इलेक्ट्रिकल फायर। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किस तरह के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सोडा एसिड टाइप फोम टाइप वाटर टाइप। क्वेश्चन नंबर 63 ABS स्टैंड फॉर ABS अर्थात करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एयर ब्लास्ट स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 64 एज पर रेगुलेशन 48 ऑफ CMR 2017 द माइनिंग सरदार शैल एंसर इन ओपन कास्ट कोल माइन दैट। CMR 2017 के रेगुलेशन 48 के अनुसार माइनिंग सरदार खुली खदान में सुनिश्चित करेगा कि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। साइड ऑफ बेंचेस आर केप्ट प्रॉपरली ड्रेस बेंच के साइड अच्छी तरह से ड्रेस किया गया हो। स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस एंड ओवरबर्डन डंप एंड नॉट इन डेंजर्ड बेंच और ओवरबर्डन डंप का स्थायित्व खतरे में ना हो। हॉल रोड आर केप्ट मेंटेन एंड डस्ट कंट्रोल मेजर आर इम्प्लीमेंटेड। हॉल रोड मेंटेन किया गया हो और डस्ट कंट्रोल के लिए उपाय किए जा रहे हों। क्वेश्चन नंबर 65 नो वाइंडिंग रोप विच हैज़ बीन इन यूज फॉर मोर देन शैल बी यूज फॉर वाइंडिंग पर्पज। ऐसे वाइंडिंग रस्सी जिसका उपयोग से अधिक किया जा चुका है वाइंडिंग के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं की जाएगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3.5 ईयर साढ़े तीन साल। क्वेश्चन नंबर 66 द हाइट ऑफ बेंचेस इन कोल एंड ओवरबर्डन शैल नॉट बी मोर देन। कोयला और चट्टानी संरचना वाले ओवरबर्डन में बेंचों की ऊंचाई निम्न में से किसकी ऊंचाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आंसर इज ऑप्शन ए डिगिंग हाइट और रिच ऑफ एक्सकवेशन मशीन प्रयुक्त उत्खनन मशीन की ऊंचाई या पहुंच। क्वेश्चन नंबर 67 नो वर्किंग शैल बी मेड एंड नो वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर शैल बी कंडक्टेड एट और एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट विद इन मीटर ऑफ एनी रेलवे और एनी पब्लिक रोड वर्क्स। किसी लोक सड़क या भवन रेल से डेस मीटर के अंदर किसी भी तरह का खुदाई खनन स्थल या स्तंभ को निकालने या छाटने का काम नहीं किया जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 45। क्वेश्चन नंबर 68 टू कोल सीम आर कॉल्ड कंटिग्यूअस सीम व्हेन द पार्टिंग बिटवीन देम इज। दो कोल सीम को कंटिग्यूअस कहा जाता है अगर उन दोनों के बीच का पार्टिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विद इन 9 मीटर से कम हो। क्वेश्चन नंबर 69 द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अंडरग्राउंड कोल माइंस एट एवरी प्लेस वेयर पर्सन आर रिक्वायर्ड टू वर्क और पास इज। भूमिगत कोयला खदान में प्रत्येक स्थल पर जहां व्यक्ति काम करते हो या जाते हो न्यूनतम ऑक्सीजन का प्रतिशत होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 19%। क्वेश्चन नंबर 70 रिजर्व स्टेशन इन अंडरग्राउंड कोल माइंस इज डिसाइडेड अप्रूव बाय। भूमिगत कोयला खदान में रिजर्व स्टेशन डेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 71 वाकी टाकी कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूज्ड इन। वाकी टाकी संचार का माध्यम का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओपन कास्ट माइन। क्वेश्चन नंबर 72 मिनिमम एज फॉर कैंडिडेट फॉर DGMS एग्जामिनेशन इज। DGMS के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 73 विच रेगुलेशन अंडर CMR 2017 डिफाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार। CMR 2017 के किस रेगुलेशन में माइनिंग सरदार के कार्य एवं जिम्मेदारी को परिभाषित किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेगुलेशन 48। क्वेश्चन नंबर 74 विच रेगुलेशन अंडर CMR 2017 डील विथ इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन बाय माइनिंग सरदार। CMR 2017 के किस रेगुलेशन में माइनिंग सरदार द्वारा निरीक्षण परीक्षण का वर्णन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेगुलेशन 129। क्वेश्चन नंबर 75 अंडर विच रेगुलेशन ऑफ CMR 2017 द शॉट फायरर शुड राइट अ रिपोर्ट एट द एंड ऑफ हिज शिफ्ट। CMR 2017 की किस रेगुलेशन के अंतर्गत यहाँ माइनिंग सरदार की जगह शॉट फायर होगा को उसकी शिफ्ट के अंत में एक रिपोर्ट लिखनी होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रेगुलेशन 206। क्वेश्चन नंबर 76 हु इज द CMD ऑफ SECL। SECL के CMD का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी AP पांडा परंतु करेंट 2023 में जो CMD है वो है डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 77 हाउ मेनी सब्सिडरीज आर देयर इन CIL। CIL में कुल कितनी अनुसंगी कंपनियां हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 78 हु इज द चेयरमैन ऑफ CIL।
CIL के चेयरमैन कौन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्रमोद अग्रवाल। करंट में CIL के चेयरमैन की बात करें तो पोला वारापू मल्लिकार्जुन प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 79, SECL प्रोड्यूस कोल इन विच स्टेट? SECL किन किन राज्यों में कोयला उत्पादन करती? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 80, हेडक्वार्टर ऑफ CIL इज सिचुएटेड एट? CIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 81, इन विच ईयर CIL हैज बीन फॉर्म्ड? CIL का गठन कब हुआ था? आंसर इज ऑप्शन सी 1975। CIL का गठन नवंबर 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82, CIL इज कंट्रोल्ड बाय विच मिनिस्ट्री? CIL किस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कोल। क्वेश्चन नंबर 83, नेम द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ इंडिया? भारत की सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी SECL, परंतु करंट में जो कोल प्रोडक्शन लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन है वो है MCL महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 84, हु इज द डायरेक्टर पर्सनल ऑफ SECL? SECL के निदेशक कार्मिक कौन है? इसका आंसर था ऑप्शन सी डॉक्टर RS झा, परंतु करंट के जो डायरेक्टर पर्सनल है वो है श्री देवाशीष आचार्य। क्वेश्चन नंबर 85, इन विच ईयर SECL हैज बीन फॉर्म्ड? SECL की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1985। SECL के बारे में वीडियो देखना चाहते तो मेरे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यमुना नदी। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, नेम द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 88, द टेलीस्कोप इज यूज फॉर व्यूइंग? टेलीस्कोप का प्रयोग देखने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूरस्थ चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 89, द टर्म गूगली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? गूगली किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द लोकसभा? लोकसभा में कुल कितनी सीट्स होती हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 543। क्वेश्चन नंबर 91, द टर्म ब्रेस्ट स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्विमिंग, तैराकी। क्वेश्चन नंबर 92, इन इंडिया जनरल इलेक्शन टेक्स प्लेस वंस इन ईयर्स? भारत में सामान्य चुनाव कितने वर्षों में किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 5। भारत में सामान्य चुनाव 5 वर्षों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिटन बाय? भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 94, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज? भारत का नेशनल सॉन्ग है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 95, चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ ट्रिब्यूट टू विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के किस प्रधानमंत्री के सम्मान में बाल दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 96, द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड? भारत के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 97, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? करेक्ट आंसर इज डोनाल्ड ट्रंप, परंतु करंट में जो बाइडेन हैं जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। क्वेश्चन नंबर 98, एफिल टावर इज सिचुएटेड इन? एफिल टावर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पेरिस। नंबर 99, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के गृह मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अमित शाह, करंट में भी जो होम मिनिस्टर है वो अमित शाह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 100, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए भूपेश बघेल, करंट में भी सेम है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा कि 2017 का जो SECL का एग्ज़ाम है उससे बहुत सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट किए गए हैं। इसके अलावा जो WCL का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए।